नमस्कार, अभी हमने आपको लाइव दिखाया था, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एनके ऑटो इंडस्ट्रीज है। बहुत भयानक आग लगी हुई है, देखिए ऊपर से हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं। देखिए धू धू करके कंपनी जल रही है, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और आग इतनी ज़्यादा है, ये छत वगैरह भी देखिए दरारें पड़ गई हैं। इधर से पकड़ो, हाँ ये दिखाओ, देखो ये दरारें पड़ गई हैं दीवारों में और धुआं निकल रहा है, दीवार फाड़ के धुआं निकल रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, ये जो धुआं निकल रहा है, तो दीवारें फट गई हैं, इतनी भयंकर आग लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। आसपास की कंपनी वाले भी डरे हुए हैं, देखिए ये दीवारें फट गई, धुआं दीवार फाड़ के निकल रहा है। जो छत की दीवारें बनाई जाती हैं और वो दीवारें ही फट गई हैं, इतनी भयंकर आग लगी और दीवारें फटती जा रही हैं। देखिए दीवारें फटती जा रही हैं और दीवारों से धुआं निकल रहा है। एनके ऑटो इंडस्ट्रीज़ में बहुत भयंकर आग लगी हुई है, देखिए धुआं निकल रहा है चारों तरफ से, उधर से भी धुआं निकल रहा है और उधर से भी धुआं निकल रहा है और दीवार फाड़ के धुआं निकल रहा है। ये काफ़ी भयानक आग लगी हुई है, दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अंदर इतना केमिकल है उसकी वजह से आग फैलती ही जा रही है, आग भड़कती ही जा रही है। आप लोग देख रहे हैं धुआं ही धुआं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम भी कर सकते हो। और फायरमैन जी जान से जुटे हुए हैं, जान का जोखिम लेकर आग बुझाने में जुटे हुए हैं लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं गई है और आग और भड़क रही है। अंदर शायद केमिकल है, थिनर वगैरह है और रबड़ का काम यहाँ पर होता है, ऐसी सूचना हमारे पास आई थी। और यहाँ पर करीब 50-60 लोग काम करते हैं तो सारा स्टाफ बाहर खड़ा हुआ है और दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सायरन की आवाज़ें भी आप लोग सुन सकते हैं, बहुत ही भयंकर आग है। ऐसी आग देखिए भाई, दीवार वगैरह फट रही है इसकी तुम्हें, हाँ ऐसा लगता है लपटें बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से दीवार फट गई है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तो बहुत भयंकर आग लग रही है। देखिए लपटें भी अब दिखाई दे रही हैं, आग बुझने के बजाय और भड़कती जा रही है, ऐसा लगता है केमिकल और तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ पर लाइव, यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी हुई है। ये भैया भी इधर से पानी डाल रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आग इनकी कंपनी में ना आने पाए और ये कंपनी वाले भी सब अपना सामान वगैरह सेट कर रहे हैं। इधर करो, हाँ इधर करो। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत भयानक आग लगी हुई है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन एड्रेस NIT इंडस्ट्रियल एरिया मुजेसर की तरफ वर्लपूल कंपनी है, उसी के बगल में ये कंपनी है और गाड़ियां आ रही हैं दमकल की। दमकल की बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं आग बुझाने में, इनकी कोशिश है जल्दी आग को बुझा लिया जाए लेकिन आग भड़कती जा रही। देखिए काला काला धुआं, ये केमिकल है, केमिकल है, ये केमिकल का धुआं है, केमिकल जल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर और गाड़ियों की ज़रूरत पड़े तो उनको भी बुलाना चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े, सिलेंडर की ज़रूरत पड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर की या फायर सेफ्टी वाले सिलेंडर की ज़रूरत पड़े तो उसको भी यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अब तो धुआं और बढ़ गया, आप लोग देखिए और ज़्यादा धुआं बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। धुआं और बढ़ गया, देखिए दीवारें भी और फट गई, देखिए काली हो गई दीवारें और दीवारें फटती ही जा रही हैं, फटती ही जा रही हैं। तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, आप लोग देख रहे हैं लाइव फरीदाबाद न्यूज़ पर। और ये देखिए, ये ऊपर कमरा बना हुआ था और वो फट गया कमरा, देखिए कमरा फट गया, टूट गया, दीवारें गिर गईं, इतनी ज़्यादा आग है, दीवारों में छेद हो गया, दिखाइए थोड़ा सा इधर जूम करके, दीवारों में छेद हो गया और अब छेद से आग दिखाई दे रही, इतनी भयंकर आग लगी हुई है। देखिए अब तो आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं, देखिए
ऊंची लपटे हैं आके, तो बहुत ही भयंकर आग लग रही है। और अब तो लपटें भी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, धुआं भी बहुत ऊपर उठ रहा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, आसमान काला पड़ गया है। फिर से बताते हैं, NK ऑटो इंडस्ट्रीज़ में आग लगी हुई है, वर्लपूल कंपनी से थोड़ा आगे, उसको वर्लपूल रोड ही बोला जाता है करीब करीब। और हाँ, कमरे में और आग लग गई, देखिए इधर भड़क रही, वो दिखाइए जूम करके, बहुत ही ज़्यादा धुआं उठ रहा है। वैसे जो भी कंपनियां हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम सबके पास होना चाहिए ताकि आग लगने पर तुरंत काबू पाया जा सके, तुरंत आग बुझाई जा सके। लेकिन अब यहां पर पता नहीं फायर NOC था, इनके पास फायर सेफ्टी सिस्टम था कि नहीं था, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल आग बहुत भयंकर है, लपटें दिखाई दे रही हैं, धुआं दिखाई दे रहा है, दीवारें फटती जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा भयानक आग लगी हुई है। और आसपास की कंपनी वाले भी डरे हुए हैं कि कहीं आग हमारे तक ना पहुंच जाए। ये देखिए लपटें दिखाई, कितनी ऊंची लपटें उठ रही हैं, और ये कमरा तो फटता जा रहा है, इसमें छेद हो गया है, दीवारें फट गई हैं, बहुत भयंकर आग लगी हुई है। फरीदाबाद NIT एरिया में मुजेसर की साइड ये आग लगी हुई है, वर्लपूल रोड पर ये कंपनी है, बहुत भयंकर आग लगी हुई है दोस्तों। तो आप लोग लाइव देख रहे हैं और हम इसीलिए ये वीडियो दिखा रहे हैं ताकि जो प्रशासन है वो थोड़ा और हरकत में आ जाए और कोशिश करे आग बुझाने की। अगर गाड़ियाँ कम हैं तो और गाड़ियाँ मंगाई जाएँ, और ताकि जल्दी से जल्दी आग को बुझाया जाए, क्योंकि ये वीडियो प्रशासन देख रहा होता है, उसको समझ में आ जाता है यहाँ पर कितनी गाड़ियों की ज़रूरत है, कितने फायरमैन की ज़रूरत है, यहाँ पर कितनी ताकत लगानी चाहिए आग बुझाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देखते रहें, शेयर भी करते रहें ताकि लोग सावधान रहें, सचेत रहें, और प्रशासन भी जल्दी से आग बुझाने का प्रयास करें और आग पर जल्दी काबू पाया जाए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।